NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Behta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव. मैं हूं अभिषेक मिश्रा. लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और जिन 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है वहां कई राजनीतिक दिग्गजों की साख दांव पर है और ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रोड शो करके जा चुके हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी रोड शो करने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं. जाहिर है 8वां चरण लोकसभा चुनाव का बिहार के राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और यह सवाल बड़ा वाजिब है कि क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है बिहार में लोकसभा चुनाव का 8वां चरण. और इसका जवाब तलाशने के लिए, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम अपने सहयोगी आशुतोष के पास चलेंगे. आशुतोष ने कई लोकसभा सीटों पर और जहां वोटिंग होनी है उन लोकसभा सीटों पर भी लोगों का मूड मिजाज जाना है, नेताओं से बातचीत की है, लोगों से बातचीत की है, इसलिए जाहिर है वो इस सवाल का जवाब बेहतर दे पाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव का 8वां चरण बिहार की राजनीति के लिहाज से. अभिषेक जी, शुक्रिया. देखिए, सबसे पहले तो जो पिछले के 6 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें संख्या कम थे, 7वें चरण में सबसे ज्यादा संख्या है, सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव होने हैं. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें, इस चरण में कई ऐसे राजनीतिक दिग्गज हैं जिनके शाख दाव पे लगे हैं और साथ साथ राजनीतिक पार्टी के भी शाख दाव पे लगे. देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक दलों, राजनीतिक खेमों और पूरी राजनीतिक जमात नेताओं की भी, और उनका करियर एक तरीके से कहते हैं कि पॉलिटिकल करियर का सवाल हो गया. जैसे सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर लें, शत्रुघ्न सिन्हा बगावत करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं, राहुल गांधी आपने ही बताया कि रोड शो करने आ रहे हैं. तो अगर वो हारते या जीतते हैं, अगर जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कद बिहार की राजनीति में बड़ा बन जाएगा और उनके जीतने से जो कांग्रेस जो पिछलग्गू बन के रहती है आरजेडी के, वो कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर खेलेगी. शत्रुघ्न सिन्हा का ही हो गया. उन्हीं का जो विपरीत उनको जो चुनौती दे रहे हैं रविशंकर प्रसाद को लेकर के जिस तरीके से पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर अंतर कलह और अंतर विरोध हुआ जगह जगह पे, आपको भी पता है, आपने खुद न्यूज दिया है जनता तक, व्यूअर तक. तो जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद अब तक चुनावी राजनीति से दूर रहे, मतलब चुनावी राजनीति में खुद प्रत्याशी बतौर प्रत्याशी भाग नहीं लिया है, पहली बार भाग ले रहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो ये मानिए कि आने वाले 2 दशक या 1 दशक जो है वो रविशंकर प्रसाद का दबदबा रहेगा बिहार की राजनीति में और विशेष तौर पे पटना साहिब सीट को लेकर के. वहीं पड़ोस के सीट पे आ जाते हैं और पाटलिपुत्रा, मीसा भारती, पाटलिपुत्रा सीट हमेशा से लालू यादव का ख्वाब रहा है, उनके परिवार का, कि ये सीट उनके परिवार के पास रहे. पिछली बार हार गई थी अपने चाचा रामकृपाल यादव से, इस बार रामकृपाल लालू यादव भी 2009 में हार गए थे, सागर रंजन यादव से हार गए थे. तो कहीं ना कहीं मीसा भारती के लिए भी शाख का विषय है, परिवार में भी उनके लिए एक तरीके से सब कुछ मीडिया के समक्ष ही है कि किस तरीके से अंतरकला हुआ है, बाद में अब सब कुछ ठीक हो गया है, वो अलग बात है. मीसा भारती अगर जीतती हैं तो पार्टी में उनकी स्वीकारता और बढ़ेगी, उनका कद बढ़ेगा आरजेडी में, आरजेडी में कद बढ़ेगा और उनकी जो स्वीकृति है, और उसके बाद वो हर तरीके से उनके आरजेडी का जो भी फैसला होगा. अब तक ये हुआ है कि लालू यादव के जेल जाने के बाद तेजस्वी यादव का एक तरफा डिसीजन रहा है कहीं ना कहीं, तो लेकिन मीसा भारती अगर जीतती हैं तो तेजस्वी यादव अकेले हर फैसला नहीं कर पाएंगे, मीसा भारती की हर चीज में इन्वॉल्वमेंट होगा. उसके बाद उनके विरोधी में आ जाते हैं रामकृपाल यादव. अगर रामकृपाल यादव जीत जाते हैं, पहली बार वो जीते थे, मंत्री भी बन गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इस बार जीतते हैं तो और कद बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एक ओबीसी लीडर के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा कद्दावर नेता मिलेगा जो कि यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर सकता है और उस रामकृपाल यादव के चेहरे को भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में और आने वाले जो बिहार की राजनीति होगी उसमें कैश करा सकती है. इसके बाद बगल में चलते हैं जहानाबाद. देखिए, जहानाबाद में एक तरफ सुरेंद्र यादव जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, अगर वो हार जाते हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव ऑलरेडी उनका विरोध कर चुके हैं, आरजेडी का एक बड़ा खेमा है, सिर्फ तेज प्रताप यादव का नहीं, एक बड़े खेमे का विलन है सुरेंद्र यादव, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन पर भरोसा दिखाया. दूसरी तरफ वर्तमान में जो अभी सांसद थे अरुण कुमार, उन कहीं ना कहीं इन दोनों के पॉलिटिकल फ्यूचर का डिसाइड होगा. अरुण कुमार जीतते हैं या हारते ये मायने नहीं रखता, अरुण कुमार का पोजीशन क्या आता है, किस तरीके से चुनावी परिणाम आते हैं उसके बाद बिहार में आप देख सकते हैं, क्योंकि अरुण कुमार और पप्पू यादव का गठजोड़ हो गया है और एक तीसरे विकल्प के तौर पर रास्ता निकाल रहे हैं अरुण कुमार, कि जो लोग इधर से नाराज हैं उधर से नाराज हैं, एक मंच तैयार कर रहे हैं. उसमें आपको आश्चर्य होगा जान के कि कहीं ना कहीं मांझी जी से भी संपर्क किया जा रहा है, लेकिन मांझी जी चूंकि चुनाव से पहले नहीं आए, तो यहां से जहानाबाद का ये जो निर्णय होगा 23 मई को जो फैसला आएगा वो कहीं ना कहीं बिहार की आगे की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगी. और सुरेंद्र यादव अगर हार जाते हैं इस बार भी तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म मानिए,
बाकी राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है, क्या होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो मेरी समझ है उसमें यही है कि सुरेंद्र यादव को आगे कोई अपॉर्चुनिटी कम से कम संसदीय चुनाव में नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप चले जाइए बक्सर, बक्सर में हाई प्रोफाइल हिंदुत्व के पोस्टर व अश्विनी चौबे का किस्मत दांव पे लगा हुआ है, और अश्विनी चौबे को आज ही हम लोगों ने खबर दिखाया है कि सीएम ने उनकी सभा से दूरी बनाई है, तो कह सकते हैं कि अश्विनी चौबे अगर जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ा कद्दावर नेता तो ही और कद बढ़ेगा, और अगर हार जाते हैं तो उनको बीजेपी में भी कई लोग उनको बैकफुट पे धकेलना चाहते हैं, और सहयोगी पार्टी जेडीयू को तो फूटे आंख सुहाते नहीं है। बगल के सीट आ जाते हैं आरा, आरा में आरके सिंह, आरके सिंह भी एक जमाने में जब आपको याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को महागठबंधन से करारी शिकस्त मिली थी तो बहुत मुखर होकर आलोचना किया था पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी की, और जो बिहार स्टेट लीडरशिप है बीजेपी की उसकी बहुत मुखर होकर आलोचना किया था, प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाया था, यहां तक कि सुशील मोदी पर भी अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठा दिया था। तो आर के सिंह जो है जो वर्तमान में बिजली मंत्री है, बाद में वो बिजली मंत्री बन गए और बहुत खुश नजर आए, मोदी जी की बहुत तारीफ करते नजर आए, लेकिन उनकी भी शाख दांव पर लगी हुई, अगर वो जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका माइलेज उनको मिलेगा, एक कद्दावर नेता के तौर पर वो स्थापित होंगे, और अगर वो हारते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया जाएगा। इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं, सासाराम में छेदी पासवान की किस्मत दांव पे लगी हुई है, छेदी पासवान नीतीश कुमार की आलोचना भी कर चुके हैं, उनका मुकाबला जिनसे है वो भी कद्दावर नेत्री हैं, कांग्रेस की लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं मीरा कुमार, तो मीरा कुमार की भी जो किस्मत है वो दांव पे लगी हुई, अगर वो नहीं जीतती है तो शायद ये राजनीतिक चुनावी राजनीति में ये उनका आखिरी चुनाव महज कह सकते हैं कि हो सकता है उम्र के लिहाजे से, बाकी ये तो उनकी इच्छा पे है कि वो कब तक चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन उम्र के लिहाज से ये कह सकते हैं कि मीरा कुमार एक कद्दावर नेता, एक बिहार कांग्रेस की जो गिने चुने कद्दावर नेता में से है वो मीरा कुमार है, और उनकी भी जो किस्मत है वो कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है, और छेदी पासवान तो एक तो दूसरे तरफ है ही, तो छेदी पासवान से ज्यादा यहाँ पर मीरा कुमार का जो किस्मत है वो दांव पे लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर यही कारण है कि ये जो आठवें चरण का चुनाव है तमाम राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं को अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे वो सीएम नीतीश कुमार सीएम से लेकर पीएम तक और तेजस्वी से लेकर राहुल तक, अपने उन्होंने इन तमाम नेताओं ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इन आठों सीटों को जीतने के लिए। तो तमाम नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है इन आठों सीटों को जीतने के लिए, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों राजनीतिक खेमों ने पूरी ताकत लगा दी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सभा कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं एनडीए के प्रत्याशियों के लिए, अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, और राहुल गांधी कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा के लिए रोड शो करने वाले हैं, या तमाम दूसरे नेताओं के लिए वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता, तो जाहिर है अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितना महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव का ये सातवां चरण, माफ कीजिएगा, और ये बिहार की आठ सीटें। इस खबर में इतना ही, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।